नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पांडे और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टीम कैसे लेनी है। देखिए, बाजार में बहुत सारे स्टीमर्स हैं, आपको जो मिल जाए वही मंगवा लीजिए, जो सस्ता हो महंगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास स्टीमर होना चाहिए। पतीले से आप बिल्कुल भी स्टीम ना लें, आप स्टीमर से लें, क्योंकि उसमें पतीले में जलने का खतरा होता है, पानी गिर सकता है, तो एक मशीन को आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टीम लेने का जो तरीका है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस समय आप स्टीम लें एसी और पंखा ना चल रहा हो, इस बात का ध्यान रखें। और स्टीम लेने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद तक आपके जो रूम है उसमें पंखा या एसी डायरेक्टली नहीं चलना चाहिए, तो इसका खास ध्यान रखें। नहीं तो स्टीम आपने लिया है उसके बाद एकदम से अगर पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है तो आप फर्दर और बीमार पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। स्टीम लेने के टाइम पोजीशन बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आमतौर पे जब आदमी को स्टीम लेनी होती है तो वो आगे झुक करके इस तरह से स्टीम लेने का एक रिफ्लेक्स होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल गलत पोस्चर है। जब आप बैठें तो आप किसी टेबल के ऊपर अपना हाथ ऐसे रखेंगे तो आपका कंधा अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा, आपका पीछे ये जो स्पाइन है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपका कंधा, आपकी चेस्ट और आपका ये जो पेट है ये एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, स्पाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और जब आप स्टीमर को लें तो आप हल्का सा आगे झुक करके थोड़ा सा स्टीमर और अपने मुंह के बीच में डिस्टेंस को बना करके तब स्टीम लेना शुरू करें। अगर आपके पास इस तरह की टेबल नहीं है तो आप खड़े हो करके अपने हाथ में स्टीमर को रख करके भी स्टीम ले सकते हैं, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो 1.5 फुट के आसपास होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा आप डिस्टेंस को करेंगे तो आपको इफेक्टिव स्टीम नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है कि क्या टेक्निक यूज़ करनी है। देखिए, सबसे पहले जब स्टीम आनी शुरू होती है, आपने मशीन ऑन कर दी, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि शुरुआत के 5-10 सेकंड थोड़ा सा इसमें से बहुत हाई टेम्परेचर की स्टीम आती है तो आपके जो एयरवेज हैं वो जल ना जाएं, इसके लिए आपको डिस्टेंस थोड़ा सा दूर रखना है। एयरवेज को इस बात का यूज़ टू होना है कि टेम्परेचर धीरे धीरे एडजस्ट होकर के धीरे धीरे राइज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टीम एकदम घुस करके वायरस को बिल्कुल मार देना है इस तरह का सोचेंगे तो ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि जो स्टीम होती है उसमें लेटेंट हीट होती है और वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है उसमें। आप एकदम से अपने एयरवेज को एक्सपोज करेंगे स्टीम के लिए तो अंदर इंजरी हो सकती है, जल सकता है अंदर, और अगर इंजरी होगी तो वायरस को वापस इन्वेड करने का मौका मिल जाएगा, वो घुस जाएगा टिश्यूज़ में और आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, तो आपके लिए फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। तो शुरुआत में जब आप स्टीम लें तो 5-10 सेकंड, 15 सेकंड आप थोड़ा सा स्टीम चेहरे पे आने दें, थोड़ा सा आप इस हवा को नाक में धीरे धीरे से सांस लें, मुंह में धीरे धीरे से सांस लें, उसके बाद आप थोड़ा सा स्टीम के थोड़ा और क्लोज आएं। और जब आप स्टीम ले रहे हैं उस टाइम पे आप अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखिए और आपने ज़ोर से स्टीम अंदर तक खींचनी है ताकि आपको यहाँ तक महसूस हो कि आपकी सांस या स्टीम यहाँ तक जा रही है, आपके चेस्ट का जो सबसे लोएस्ट पोर्शन है वहाँ तक आपकी स्टीम जा रही है। और उसके बाद 1-2-3 सेकेंड आपने उसको रोक के रखना है और फिर आप उसको निकालें। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ आपने कैसे करना है। आपने स्टीमर लिया, उसमें आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखा और आपने जोर से सांस अंदर खींची, तो इस तरह से करते हुए आपने जितनी सांस तेज आप खींच सकते हैं उतनी सांस आपने अंदर तक खींचना है, अपनी छाती को बिल्कुल फुलाना है, पेट को काफ़ी आपने फुलाने की कोशिश करनी है, कंधे को एकदम ऊंचा करने की कोशिश करनी है, जिससे स्टीम हर पोर्शन में, फेफड़े के जो भी पोर्शन है, ऊपर के हैं, बीच के हैं, नीचे के हैं, डायफ्राम के पास के हैं, वो सारे पोर्शंस में स्टीम पहुंच सके। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर से कोई तौलिया या आपने चादर बिल्कुल नहीं ओढ़ानी है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप उससे बर्न ना हो और वो उल्टे नुकसान ना करें। आपने इसको डिस्टेंस को आपने इस तरह से रखना है कि आप आगे पीछे करके, आपको अगर थोड़ा जलन हो रही है तो पीछे हो जाएं, अगर आपको लग रहा है कम स्टीम आ रही है तो आप आगे हो जाएं। बच्चों को जहाँ तक स्टीम देने की बात है, आपने बच्चों को अपनी गोदी में बिठा करके खुद भी स्टीम लेनी है, तभी बच्चा सेफली स्टीम ले पाएगा, अदरवाइज़ बच्चे के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप पतीले से या स्टीमर से अलग से बिठा करके इस तरह से बिल्कुल भी स्टीम नहीं दीजिए। अगर आप बहुत श्योर है कि हाँ बहुत सेफली बच्चे को स्टीम दे सकते हैं तभी दीजिए, अदरवाइज़ आप बच्चे को गरम स्टीम्स जो हैं वो बिल्कुल मत दीजिए। बच्चों को स्टीम देने का तरीका ये है कि जब बच्चा सो जाए तो आप उसकी मुंडी थोड़ा सा बिस्तर के किनारे कर दें
और नीचे स्टीमर को बिस्तर के नीचे बगल में रख दें, उसमें जो भाप उड़ेगी उसमें बच्चा धीरे धीरे सांस लेगा और उतनी स्टीम जो है वो बच्चे के लिए बहुत है। वैसी स्टीम आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन आप एकदम लिटा के और तौलिया उड़ा के इस तरह से स्टीम देंगे तो बच्चा बर्न हो सकता है। दूसरा, पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैडम इसमें कोई वेपोरब वगैरह डालना है क्या, ये जो मार्केट में ऐसी चीज़ें मिलती हैं क्या ये डाल सकते हैं हम? तो ये इसका कतई रिकमेंडेशन नहीं है। बच्चों के एयरवेज बहुत डेलिकेट होते हैं और ये अंदर जब आप इसको इनहेल करते हैं ये एक तरह की मेडिसिन है, तो आप डेलिकेट जो एयरवेज हैं उनको ये हर्ट कर सकती है, उनको डैमेज कर सकती है। तो आप ये वेपोरब्स वगैरह छाती पे मल रहे हैं, नाक में लगा रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करिए। आप सेफ्टी लेकर के चलिए और आप ये वेपोरब्स का इस्तेमाल छोटे बच्चों पे बिल्कुल ना करें, तो इस बात का ध्यान रखें। अब जो लास्ट में मैं आपको बताती हूँ टेक्निक क्या है, पहले आप मुँह से 10 बार जो है स्टीम को धीरे धीरे खींचिए, उसके बाद मुँह बंद कर लीजिए, एक नॉस्ट्रिल को दबा लीजिए और फिर एक नॉस्ट्रिल से 10 बार खींचिए, फिर उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रिल से 10 बार खींचिए आप सांस को, फिर ऐसे ये साइकिल 3 बार रिपीट करिए। तो हर बार जब आप स्टीम लेते हैं तो आपको एक बार 10 बार मुंह से, 10 बार नाक से, 10 बार इस नाक से, इस तरह से करना है। तो इसमें लगभग आपको 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, उतना टाइम आपने स्टीम लेनी है। दिन में कितनी बार लेनी है? मैक्सिमम 2 बार लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार ले सकते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा स्टीम लेंगे तो एयरवेज जल सकते हैं, ये ज़्यादा नुकसान कर सकता है, फ्लेम बढ़ सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि जी हम तो हर 2-2 घंटे में स्टीम लेंगे और हम इस वायरस को बिल्कुल ही उड़ा देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये एक तरह की दवाई है, आप इसको मॉडरेशन में लीजिए, सही तरीके से लीजिए, सही पोस्चर में लीजिए, तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो कॉल के लिए भी अवेलेबल हूँ, जिसके लिए मैं ये नंबर शेयर कर रही हूँ। नमस्कार।